नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 31 और मैं हूँ आपके साथ भावना। ऋषिकेश गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर कल शनिवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया। आईटीबीपी भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जवानों से भरी एक बस ताचिला के पास अनियंत्रित होकर पलट गई। ये बस ऋषिकेश से चंबा की ओर जा रही थी, जब ताचिला के पास अचानक ड्राइवर का बस नियंत्रण से हट गया। बस सड़क पर पलट गई और इसमें सवार 39 जवानों में से 7 को चोटें आई हैं। वहीं मौके पर पहुंचे राहत और बचाव दल ने तुरंत कार्रवाई शुरू की। हालांकि अन्य जवानों को मौके पर ही प्राथमिक उपचार दिया गया और उनकी स्थिति सामान्य बताई जा रही है। दुर्घटना के तुरंत बाद स्थानीय पुलिस और आपदा प्रबंधन दल घटनास्थल पर पहुंच गए। घायलों को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा का उपयोग किया गया। राहत बचाव दल ने घायलों को प्राथमिक चिकित्सा मुहैया कराई और दुर्घटना बस को हटाने का कार्य शुरू किया। वहीं मौके पर मौजूद चश्मदीदों ने बताया कि बस अचानक सड़क पर पलटी, जिससे सभी जवानों को बचने का मौका नहीं मिला। राहत की बात यह है कि सभी जवान खतरे से बाहर हैं। ऋषिकेश गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर इस तरह की दुर्घटनाओं की संभावना को कम करने के लिए अधिकारियों द्वारा उचित कदम उठाने की उम्मीद की जा रही है।